मुझे अबला मत समझो। ऋतुराजी ने तलाक की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी। पति के बारे में बात करते करते हो गई इमोशनल। फ्लाइंग बीस्ट के नाम से मशहूर गौरव तनेजा की पत्नी रितु राठी का हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह तलाक को लेकर बात करती नजर आई थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद गौरव तनेजा और रितु राठी के तलाक की अफवाहें उड़ने लगी, जिन पर अब खुद रितु राठी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। फेमस यूट्यूबर गौरव तनेजा, जो सोशल मीडिया पर फ्लाइंग बीस्ट के नाम से मशहूर है, हमेशा सोशल मीडिया पर अपनी हैप्पी फैमिली को लेकर चर्चा में रहते हैं। गौरव तनेजा और रितु राठी की दो बेटियां हैं, जिनके साथ कपल अक्सर अपने फैमिली ब्लॉग शेयर करते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये हैप्पी फैमिली नेगेटिव खबरों को लेकर चर्चा में है। पिछले दिनों एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो प्रेमानंद महाराज के सामने पति की धोखेबाजी को लेकर सवाल करती दिखी थी। वीडियो को लेकर दावा किया जाने लगा है कि ये रितु राठी है, जिन पर अब रितु राठी ने खुद प्रतिक्रिया दी है। रितु ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कंफर्म किया है कि वीडियो में नजर आ रही महिला वही है। वायरल वीडियो पर क्या बोली रितु राठी? रितु राठी ने वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या वो मैं थी? हाँ, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा मसाला चाहिए था। मेरे चेहरे पर जूम करके उन्होंने कहा, ओह ये तो रितु है, ये उसकी ही आवाज है, हम रितु आर्मी है। क्या मैं अबला नारी हूँ? नहीं, मैं नहीं हूँ। चलिए रियलिटी चेक करते हैं। आपके घर में काम करने जो मेड आती है वो अबला नारी है? वो अपने घर में अनगिनत मुश्किलें झेलती है। काश आप अपने घर जाते और उनकी समस्याएं हल करने की कोशिश करते और उसे कहते कि हम आपकी आर्मी में हैं। रितु राठी अपने वीडियो के माध्यम से ये भी कहती है कि मैं अपने बच्चों को पालने में सक्षम हूँ। इसके बाद रितु राठी अपने और गौरव तनेजा के रिश्ते के बारे में बात करती है और इस दौरान काफी इमोशनल भी हो जाती है। रितु कहती है, मैं अपने बच्चे को पालने में सक्षम हूँ। क्या मैं इसलिए सक्षम हूँ क्योंकि मैं एक पायलट हूँ? नहीं, मैं इसलिए सक्षम हूँ क्योंकि मेरे पति ने मुझे इन 8 सालों में अपने जितना सक्षम बनाया है, और इसीलिए मैं अपने बच्चों को अकेले पालने में सक्षम हूँ। भारत में कितने पुरुष हैं जो अपनी पत्नी को अपने बराबर सक्षम बनाते हैं? रितु राठी ने भी कई सवाल कर डाले। क्या आपने कभी ईश्वर के सामने अपने दुख दर्द और संदेश या दुविधाएं रखी है? मैंने रखी है। कौन सा रिश्ता चोट से मुक्त है? चाहे वे आपके माता पिता हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, यहाँ तक कि पति पत्नी के साथ हो, क्या कोई ऐसा है जो कभी इतना हद ना हुआ हो कि उसे भगवान के पास जाकर रोने की जरूरत महसूस हुई हो? मैंने भी वही किया। जो भी हो, ये मेरे लिए एक व्यक्तिगत मुद्दा है, मेरा पर्सनल मुद्दा है। अगर मैं इसे सार्वजनिक करना चाहती हूँ तो मेरे प्रिय रितु की आर्मी, मेरे पास इसकी घोषणा करने के लिए इंस्टाग्राम है। ऐसी कई बातें हैं जो पति पत्नी के बीच चुभ सकती है। कुछ तो हुआ होगा, इस बार उसे दुख हुआ और मुझे भी दुख हुआ। उसने सोचा कि वह सही था और मुझे लगा कि मैं सही थी। वह जिद्दी हो गया और मैं भी। रितु राजी का कहना ये भी है कि मैं उस आदमी का सम्मान करती हूँ, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप मुझे बताएंगे कि वो किस तरह का आदमी है? ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सम्मान के पात्र है, और मैं उस आदमी को आदर से जानती हूँ और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। हम सब एक जैसे हैं, हम सभी में समान गुण होते हैं। सिर्फ इसलिए कि लोग दो तरह के हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि महिला सही है या पुरुष सही है। दोनों कुछ मायने में सही हो सकते हैं और कुछ मायने में गलत। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आज मैंने सीखा है कि कभी कभी चुप्पी बहुत बड़ा अन्याय हो सकती है। अगर मैंने आज अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी होती तो क्या किसी और के लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है? मैं उस आदमी के साथ बिताए 8 साल नहीं भूल सकती और इसके लिए मैं उसका सम्मान करती हूँ। वेल, ये रितु राठी और गौरव तनेजा के पर्सनल मुद्दे हैं और हम यही चाहेंगे जल्द से जल्द शॉर्ट आउट हो जाए। प्लीज फॉलो फॉर मोर।